जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक है दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ बहुत मज़े की, मरियम नवाज़ की, ठीक है, और इमरान खान साहब की तकरीर हो रही है। तो आए आज आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो ले भी शुरू करते हैं। इस्तकबाल का आपका शुक्रिया शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं क्या देख रही हूँ आज? हम एक नई किस्म की सियासत कर रहे हैं। कमाल कर दिया पिंडी वालों, कमाल कर दिया। हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ जी, जो जज्बा मैंने आज देखा है वो जज्बा अल्लाह की कसम मैंने पहले कभी नहीं देखा। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान वो बनेगा जिधर इंसानों के ऊपर पैसा खर्च होगा। ये बेदारी की लहर है, ये अब 21वीं सदी और मोबाइल फोन का जमाना। मुझे पता है मोबाइल बदल दी है, दुनिया बदल दी है। मुझे इल्म है, हम आपको पैगाम भेज सकते हैं। तुम निहायत दरकोर तो हो ही, बहुत कम सर्फ भी हो। हम आपसे हर किसी की गुफ्तगू कर सकते हैं। चुप के बोल क्या करते हो, सामने आओ। एक मिनट वेट, मैं बस सोशल मीडिया कन्वेंशन से नवाज शरीफ का मुकाबला करो। एक मिनट बात सुनो, सुनो। एक मजम्मती बयान जारी कर देने से क्या तुम समझते हो कि लोग तुम्हें माफ कर देंगे? कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। किसने कहा था कि शलवारें गीली हो जाएंगी? कभी ऐसे नहीं हुआ। नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपको प्रोटेक्ट लगाता है। नवाज शरीफ को किस चीज में निकाल दिया? वो लोगों को पागल बनाता है ये कह के कि मुझे क्यों निकाला। एक बात ध्यान से सुनो, आप मेरे सवालों का जवाब दें। नवाज शरीफ के ऊपर आपके लीडर के ऊपर 2 साल से मुकदमा चल रहे हैं। नवाज शरीफ की जिम्मेदारी थी कि बताए कि किधर से पैसा आया। हमें नवाज शरीफ के असासे मत दिखाओ। पैसा बाहर किधर कैसे गया, किधर से पैसा आया, जिम्मेदारी इसकी थी। अगर कोई 5 रुपए की करप्शन है तो वो दिखाओ। ये जो चोरी की, किधर से चोरी की, पैसा किधर से आया? 6 महीनों में 6 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सकते। 5 रुपए की ये बताना किधर से पैसा आया। सबके असासे खोलो, अकेले नवाज शरीफ को निशाना मत बनाओ। अच्छा आप सुने, देखो मेरी बात सुनो, ये नया दौर शुरू हो रहा है। आओ ये आवाज का समंदर देखो, ये खान साहब की सुनी नहीं रही, ये का दौर है, ये इंकलाब की लहर है। आवाम क्या चाहती है? इलेक्शन में नवाज शरीफ का मुकाबला करो। अभी 6 महीने इलेक्शन को। याद रखो कि गीदड़ों के डर से शेरों के काफिले एक्शन कराते ही नहीं है। दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर किसने बनाए? कौन तरक्की नहीं करती, पुल बना के, ट्रेनें बना के, मोटरवे किसने बनाई? जब इंसान के ऊपर पैसा खर्च होता है नहीं बनता, तब मुल्क तरक्की करता है। बात है, फिक्र ना करो, हम ना शिकवा करेंगे ना शिकायत करेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ले भी गाइस, बड़ी अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी एडिट की है जिसने भी किया है। और जौन सा ना, वाकई जौन सा ना, पुल कौन सा हम ऊपर लेके सोते हैं, जौन सा क्या नमाज का जौन सा पुल मोटरवे जौन सी है हमें तरक्की देगी? तरक्की तो दूसरी चीज़ें होती हैं। तो ये लोगों ने बस सिर्फ पुल बना दिए, मोटरवे बना दिए, जबकि इन्होंने बना दिए हैं, हमारे कान पाक गए हैं सुन सुन के कि जी मोटरवे बन गई, मोटरवे बन गई, मोटरवे बन गई। हम क्या करें, मोटरवे बन गई, क्या हमें दूसरी सहूलतें नहीं है? अब खान साहब को पकड़ा हुआ है इन्होंने,
अवाम को लगाया हुआ बिजली के पीछे, अवाम खान साहब को बोल के बिजली के पीछे भाग रही है। ये सारी जिंदगी इन्होंने इसी तरह ही किया पाकिस्तान के साथ। इतने बजे लाइट आ गई, इतने बजे चली गई, इतने बजे आ गई, अब इतनी इतना महंगाई कर दी इन्होंने कि तो खान साहब को तो लोग भूल ही गए हैं। ठीक है, तो बस अल्लाह मियाँ मदद करे खान साहब की, अल्लाह मियाँ हमारा मुल्क चौसाना सलामत रखे। और ले गाइस यही वीडियो है, तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मैं हाजिर होता हूँ। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।